गए कई दिनों से मोबाइल धारकों को सता रही कॉल ड्रॉप्स की समस्या पर हल निकालने की संभावना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस संबंधित एक प्रस्ताव पेश कर इसमें ग्राहकों को नुकसान भरपाई देने का प्रावधान किया गया है। गए कई दिनों से मोबाइल धारकों को सता रही कॉल ड्रॉप की समस्या पर हल निकालने की संभावना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस संबंधित एक प्रस्ताव पेश कर इसमें ग्राहकों को नुकसान भरपाई देने का प्रावधान किया गया है। ग्राहक से संबंधित कॉल के मूल्य ना लेना अथवा मुफ्त कॉलिंग मिनट्स देना ऐसा इस नुकसान भरपाई का स्वरूप हो सकता है। ट्राय ने इस संदर्भ में एक सलाह पत्र जारी कर उस पर 28 सितम्बर तक ग्राहकों से सूचना भी ली जाएगी। कॉल शुरू होने से 5 सेकंड के अंदर कॉल ड्रॉप हुआ उसके लिए भरपाई ना दे, किंतु 5 सेकंड के बाद कॉल ड्रॉप हुआ तो उसके लिए भरपाई दे और ये भरपाई देते वक्त आखिरी पल्स गृहित ना ले, ऐसा पत्रक में कहा है। गई कई दिनों से कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्राई को इस मामले की दखल ले ऐसा कहा था। रिपोर्ट MVTV। बागबान, चलते चलते, कभी खुशी कभी गम और राजनीति, इन जैसे अनेक सिनेमाओं को संगीतबद्ध करने वाले संगीतकार आदर्श श्रीवास्तव, इनका मुंबई में कैंसर की बीमारी से देहांत हुआ। इन्होंने 100 से अधिक सिनेमाओं को संगीत दिया है। संगीतकार आदर्श श्रीवास्तव, इनका मुंबई में कैंसर के चलते निधन हो गया है। वे 5 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। आदर्श श्रीवास्तव, इन्होंने बागबान, कभी खुशी कभी गम, बाबुल, चलते चलते, राजनीति, इन जैसे अनेक हिंदी फिल्मों को संगीत दिया है। खास करके इन्होंने संगीत दिए सिनेमा हिट हो गए है। इन्होंने अपने कारकिर्दी में 100 से अधिक सिनेमाओं को संगीतबद्ध किया है। इनके निधन की खबर पूरे सिनेमा सृष्टि को हिला देने वाली है। रिपोर्ट MVTV। श्री कृष्ण जन्म के दूसरे दिन मनाए जाने वाला त्यौहार यानी दहंडी का त्यौहार। इस दिन चौरा चौराहे में लगाई दहंडी मानवीय सर लगाकर फोड़ी जाती है। मुंबई, ठाणा, नवी मुंबई के साथ सभी और दहंडी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में गोकुल में हुआ, इसलिए इस दिन को गोकुल अष्टमी कहते हैं। पूरे भारत में सभी जगह बड़े उत्साह से ये जन्मदिन मनाया जाता है। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन होने के बाद सुबह सभी छोटे लोग चौरा चौराहे में लगाई दहीहंडी मानवीय स्तर लगाकर शारीरिक कौशल से फोड़ते है। इन गोविंदा को दही, दूध, माखन एक करके बनाया गया काला दिया जाता है। इस दिन को दही काला भी कहा जाता है। अभी दहीहंडी एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बन गया है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणा में बड़े उत्साह से और भव्य स्वरूप में दहंडी का आयोजन किया जाता है। रिपोर्ट MVTV। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका 5 सितंबर को होने वाला जन्मदिन के दौर प्रशिक्षण दिन मनाया जाता है। शिक्षक ये आने वाले पीढ़ी का शिल्पकार है। उनसे हमें ज्ञान और दुनिया को देखने की सकारात्मक दृष्टि मिलती है। ऐसे इन गुरु शिक्षकों के विषय में कृतज्ञता व्यक्त करने का ये दिन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका 5 सितंबर को होने वाले जन्मदिन के तौर पर शिक्षण दिन मनाया जाता है। शिक्षक ही आने वाली पीढ़ी का शिल्पकार है। उनसे हमें ज्ञान और दुनिया को देखने की सकारात्मक दृष्टि मिलती है। ऐसे इन गुरु शिक्षकों के विषय में कृतज्ञता व्यक्त करने का ये दिन। डॉक्टर राधाकृष्णन, इनका शिक्षकों के प्रति होने वाला प्रेम और आदर देखकर भारत सरकार ने उनका जन्मदिन या शिक्षक दिन के तौर पर मनाने का संकल्प किया है। वो परंपरा आज भी कायम है और भविष्य में कायम रहेगी। जिस तरह मिट्टी के गोले को आकार देकर प्रतिकृति तैयार की जाती है, उसी तरह शिक्षक गुरु बच्चों पर संस्कार करके उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बना देते है। आज शिक्षक दिन के अवसर पर जगह जगह शिक्षकों का सम्मान करने के लिए विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रिपोर्ट MVTV। वाशी पुलिस ने 24 साल के युवक को शार्प शूटर समझकर शुक्रवार को गिरफ्तार किया, किंतु ये शार्प शूटर ना होकर ठग है, ऐसा जांच में निष्पन्न हुआ। वाशी पुलिस ने 24 साल के युवक को शार्प शूटर समझकर शुक्रवार को गिरफ्तार किया, किंतु ये शार्प शूटर ना होकर ठग है, ऐसा जांच में निष्पन्न हुआ। आंध्र प्रदेश में रहने वाला करीम मुनूरी बादशाह शेख इसे शुक्रवार को 7 बजने के आसपास वाशी सेक्टर 28 यहाँ एसके डेवलपर्स के कार्यालय के पास शक के तौर पर घूमते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्त में लिया। शेख ये सुबह से इसी जगह बैठा था। पुलिस ने उसकी पूछताछ की तब वो अर्पिटी जवाब देने लगा और उसने, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, ऐसा पुलिस को बताया। पुलिस ने हिरासत में लेकर उसकी पूछताछ की तब वो लोगों को ठग कर पैसा कमाने के लिए आया था, ऐसा निष्पन्न हुआ। वो ठग है, इसके पहले उसे जेल की सजा भी हुई थी। पूरे तहकीकात के बाद ये पता चला है कि ये जो शख्स है ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और काफी दिनों से ये बॉम्बे में रहता था। इसके पहले भी कुछ लोगों को उसने चीट किया है और ऐसी एक चीटिंग केस में वो लगभग 8 महीने तक
जेल में रह चुका है। वाशी पुलिस ने आईपीसी के तहत 419 अंतर्गत उस पर गुना दाखिल करके उसका शहर के बड़े गुनाहों में सहभाग है क्या, इसकी जांच जारी है। सनी मेहरल के साथ सूरज कमले, MVTV। पनवेल में 87 एकड़ भूखंड पर पुलिसों की पहली टाउनशिप बनेगी। इस टाउनशिप में करीब 10,000 पुलिस को सिर्फ 12 से 13 लाख में 775 स्क्वायर मीटर का मकान माल के तौर पर दिया जाएगा। अगले हफ्ते में इस प्रकल्प पर मोहर लगाई जाएगी। पनवेल में 87 एकड़ भूखंड पर पुलिसों की पहली टाउनशिप बनेगी। इस टाउनशिप में करीब 10,000 पुलिस को सिर्फ 12 से 13 लाख में 750 स्क्वायर फुट का मकान माल के तौर पर दिया जाएगा। अगले हफ्ते में इस प्रकल्प पर मुहर लगाई जाएगी। इस टाउनशिप में फिलहाल के पुलिस कॉलोनी की तरह सुविधा का अभाव न होकर उस जगह सुसज्ज बगीचा, जल तरन, तालाब, स्टेडियम और पुलिस के बच्चों के लिए CBSE बोर्ड की स्कूल भी होगी। इस टाउनशिप के लिए भूखंड भी खरीदी किया गया है। ये पुलिसों की पहली टाउनशिप, भविष्य में राज्य के अन्य जगह ऐसी टाउनशिप तैयार करने की योजना है। पुलिस राज्य की जनता और मालमत्ता का रक्षण करती है, किंतु उन्हें रहने के लिए मकान भी नहीं मिलता। इसलिए राज्य में आने वाले 4 साल में पुलिस के लिए 2 लाख मकान तैयार करने का महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाथों में लिया गया है। रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। उसके लिए लिंक है media.mvtv। संपर्क के लिए हमारा दूरध्वनि क्रमांक है 2757-1924। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।